मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी, ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार ना रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उसे हीरे से कोई आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे जड़े हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपने जेब में डाला और ज़मीन खोदने शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो ज़मीन पर ही गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे भी दिलाऊँगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया, मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस ज़मीन पे खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे मोती तो नहीं मिला, बल्कि उस सर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना है। मयंक बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब बहुत ख़राब हो गई। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी पापा खड़े थे। उस अघोरी पापा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है।